हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ कटहल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आलू और कटहल की सब्ज़ी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे, रेसिपी तो मैं शेयर करती ही हूँ, लेकिन वीडियो को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, यानी आप थोड़ा सा इससे आनंद उठा सके इस वीडियो से, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रेसिपी से अलग हट करके भी दिखाया है। तो इन्जॉय कीजिए वीडियो के साथ, रेसिपी देखिए आगे। तो यहाँ पे कटहल को काट के प्रेशर कुकर में डाला है और आलू को साथ में ही डाला है। इसे उबालना है। तो दो सीटी आप लगाएंगे तो ये दोनों उबल जाएगा। अब सिलबट्टे पर यहाँ लहसुन अभी पीसा जा रहा है, साथ में अदरक, प्लेट में अदरक, काली मिर्च और जीरा और 3 साबुत लाल मिर्च है। तो लहसुन पीस चुका है सिलबट्टे पर। ये विलेज रेसिपी है और विलेज में जिस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ आपके सामने में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो अब अदरक पीसा जा रहा है सिलबट्टे पर। तो यहाँ कटहल और आलू दोनों उबल चुका है और मसालों में इधर अलग से आप देख सकते हैं तेजपत्ता भी है, टमाटर प्याज भी लिया है। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर डाल होता है मसालों का। तो प्याज और टमाटर को काट के रख लिया है और कुछ साबुत ये पाउडर फॉर्म में भी मसाले लिए हैं। आप चाहें तो कुछ साबुत मसाले भी ले सकते हैं, जैसे गर्म मसाले में जो मसाले आते हैं वो भी आप साबुत ले सकते हैं। तो आलू और कटहल को काट लिया है। अब कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तो अगर आपको कोई और तेल पसंद हो तो आप उसमें ये बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आलू और कटहल की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी सरसों के तेल में ही लगती है। तो कटे हुए कटहल को सरसों के तेल में भूनना है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है इसमें, थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्ट आप सिर्फ सब्ज़ी बनाते वक्त आगे अगर डालेंगे मसालों के टाइम में, तो इसके अंदर नमक नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो ये भून चुका है, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर भून सकते हैं 4-5 मिनट के लिए। देखिए ये बहुत अच्छे से भून चुका है। फिर से इसमें कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, तो तेल की मात्रा भी यहाँ और मसालों की मात्रा ज़्यादा जाती है। अब इसमें डाला है जीरा और साबुत लाल मिर्च, साथ ही इसमें जा रहा है प्याज। तो प्याज आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें मसाले ज़्यादा जाते हैं, तेल भी ज़्यादा जाता है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, लेकिन इसी वाले कटहल, जो कटहल की जो का जो साइज़ है, इसी साइज़ के कटहल के साथ। तो अभी आप देखिए एक और भी ऊपर में रखा हुआ है। तो जो मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर गांव से हैं, उनको तो बेहतर पता है कि मिट्टी के चूल्हे पर कैसे बनाते हैं, कैसे उसका फ्लेम हाई लो मीडियम रखा जाता है। तो अभी इसी टाइम में कढ़ाई में डाला है तेज़पत्ता, फिर अब पीसे हुए मसाले यानी अदरक, लहसुन डाल करके इसे भूनना है, और जब तक कि इसका जो स्मेल है, कच्चेपन का स्मेल ना चले जाए, तब तक अच्छे से भूनना है। और आप बताइएगा ज़रूर आपको मेरा रेसिपी के अलावे जो थोड़ा सा मैंने वीडियो को बड़ा किया है वो आपको कैसा लगा। तो अब इसमें मसाले भुन जाने के बाद इसमें डाला है टमाटर कटा हुआ, और इसे भी अच्छे से भूनते रहना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि बिल्कुल टमाटर गल ना जाए। तो इसी बीच दरमियान आप डालें मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये है काली मिर्च और जीरा का पाउडर टेस्ट।
तो आप पाउडर भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। और इसे बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत जबरदस्त स्वाद आता है इस कटहल को अगर आप बनाएंगे तो। लाल मिर्च डाला है, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। फिर इसमें डाला है आलू, और इसे डालकर मसालों के साथ मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से 4-5 मिनट 6 मिनट के लिए बिल्कुल भूनना है पेशेंस के साथ। फिर इसमें डाला है 5-6 मिनट के बाद ये भुना हुआ अलग से फ्राई किया हुआ कटहल, और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ भूनना है 4-5 मिनट के लिए। गरम मसाला पाउडर, फिर इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी ये उबला हुआ है और भुना हुआ है तो यहीं पे डाला है गरम मसाला, क्योंकि लगभग सब पक ही चुका है। फिर इसमें डाला है नमक स्वादानुसार, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें और सावधानी पूर्वक ही डालना है, क्योंकि जो कटहल है उसे भूनते वक्त भी थोड़ा सा नमक डाला गया था। तो ये भून चुका है, तो इसमें डाला है पानी, सब्जी का कलर देख सकते हैं आप, इसकी खुशबू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसकी खुशबू का अंदाज़ा आपको मिलेगा जब आप इस तरह बनाएंगे। तो रेसिपी मैंने शेयर कर दी है, बनाइए खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।